भारत चुनाव आयोग की तरफ से स्पेशल समरी रिवीजन ये एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। 2024 साल में जो भी इलेक्शंस होने वाले हैं उसके लिए 1 जनवरी 2024 ये एलिजिबिलिटी डेट के तौर पे मानी जाती है, और 1 जनवरी 2024 को जो लोग एलिजिबल होंगे उन्हें अगले इलेक्शंस में वोटिंग करने का मौका मिलेगा या फिर वो वोटिंग के लिए जा पाएंगे। इसलिए इस पूरी जो इलेक्टोरल रोल होता है, मतदाताओं की जो याद लिस्ट होती है उसको अपडेट करने का ये कार्यक्रम शुरू है। इसमें BLOs मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी जिसे बोलते हैं, ये हर घर में जाएंगे, वहाँ पर घर में जाकर सारी जानकारी लेंगे। तो इस हिसाब से मेरी सारे नांदेड़ वासियों को ये एक मेरा आह्वान है कि आप BLO को, जो भी आपके घर में मेंबर्स है 18 साल के ऊपर उन, या जो 18 साल के होंगे 1 जनवरी 2024 तक, उनकी इन्फॉर्मेशन दीजिए। अगर किसी का इसमें अगर निधन हो गया हो या कोई यहाँ से बाहर के किसी शहर में या गांव में रहने गए हो, परमानेंटली उनका एड्रेस चेंज हुआ हो, तो ऐसे लोगों की भी इन्फॉर्मेशन देकर ये नाम लिस्ट से हटाना ज़रूरी है। इस हिसाब से सारे नागरिकों से मैं आह्वान करता हूँ कि आप अपनी जो भी जानकारी है अपने BLOs के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा मतदाताओं को इस सारी प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए चुनाव आयोग ने काफ़ी सारे नए उपक्रम भी घोषित किए हैं। गणेशोत्सव, हमें पता है महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, उसमें जो गणेशोत्सव मंडल अच्छे तरीके से मतदार जागृति करेंगे उन्हें एक सम्मान उसमें दिया जाएगा, और साथ ही में स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग जो भी छात्र हैं उनके लिए अलग अलग प्रतियोगिताएँ चुनाव आयोग ने जारी की हैं।